नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्निकल पंकज जॉन चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टीसी नेटवर्क एप्लीकेशन में जब आप विड्रॉवल लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि टीसी नेटवर्क एप्लीकेशन में मिनिमम विड्रॉवल 9000 का है। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर क्वाइन को विड्रॉवल लिया है वॉलेट में, लेकिन किसी कारण से या तो उनका पेंडिंग शो कर रहा है या उनका फेल हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका क्वाइन फंस गया है उसे आप किस प्रकार से रिकवर कर पाएंगे। उसके बाद टीसी नेटवर्क एप्लीकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जिन लोगों का यहाँ पर टीसी क्वाइन फेल्ड हो चुका है वो पहले अपना टीसी क्वाइन को किस प्रकार से रिकवर कर पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, ये कुछ मेरे यूजर्स के स्क्रीनशॉट हैं जिनका यहाँ पर टीसी क्वाइन यहाँ पर जो है कि फेल्ड हो चुका है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि ये 78 घंटे के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप किस प्रकार से इसे रिकवर करेंगे, आइए जानते हैं। तो इसके लिए पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से टीसी नेटवर्क एप्लीकेशन में लेकर चलता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था वो भी एक बार आपको जानना जरूरी है। तो जैसा कि ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे आप आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मैंने जब यहाँ पर 15700 टीसी क्वाइन को ट्रांसफर किए थे तो मेरा भी फेल हो चुका था। यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइज, मैंने जो वॉलेट दिया था, यहाँ पर एक गलती ये भी हो जाती है कि जैसे ही आपका यहाँ पर 9000 टीसी क्वाइन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से गाइज वीडियो को देखिएगा ताकि कोई आपसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर दोस्तों, जैसे आपका 9000 कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो वॉलेट का सेक्शन है यहाँ पर एक एड्रेस ओपन हो जाता है ऑप्शन यहाँ पर, या हो सकता है वो ऑटोमेटिक आपका वहाँ पर एक एड्रेस सबमिट हुआ रहता है या आप सबमिट किए रहते हैं। यहाँ पर एक कन्फर्म का ऑप्शन आता है, जैसे आप क्लिक करेंगे वो तुरंत वो पेंडिंग में चला जाता है जो आपने यहाँ पर माइन किए हैं क्वाइंस का, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर जो एड्रेस देना है गाइज, आप ट्रस्ट वॉलेट का दे सकते हैं या क्वाइन बाजार एप्लीकेशन का, वहाँ पर जो टीसी क्वाइन लिस्टेड है उसका यहाँ पर एड्रेस आप दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कि किस प्रकार से हम विड्रॉवल कर पाएंगे इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से टीसी वॉलेट को इस एप्लीकेशन के द्वारा आप जो है कि ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं या क्वाइन बाजार एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं कि जब मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किए थे 15700 क्वाइन, वो मेरा क्या हुआ था, फेल्ड हो चुका था। अब यहाँ पर आपकी प्रूफ के लिए मैं आपको मेल आईडी पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेल आईडी पर चलते हैं और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि माई टीटी क्वाइन विड्रॉल इज कैंसिल्ड का ये ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर मैंने इन्हें मेल किया हुआ है। मेल में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर मेल किया है, डियर सर प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। तो इसके यहाँ पर आंसर में इन्होंने जवाब दिया है कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस, योर ईमेल हैज रीच्ड अस, आवर सपोर्ट टीम विल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सपोर्ट रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल, ये है टीटी क्वाइन सपोर्ट टीम की ओर से ये आंसर आया हुआ है। और आगे इन्होंने बताया है कि यहाँ पर टीटी क्वाइन कैन नॉट बी कैंसिल्ड और रिफंडेड, इफ यू गिव द BEP20 एड्रेस आई विल सेंड इट। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टीसी क्वाइन होता है ना, ये कैंसिल होता है और ना ही रिफंडेड होता है, लेकिन यदि आप BEP20 का एड्रेस आप देते हैं तो इसे हम BEP20 के एड्रेस पर सेंड कर देंगे। तो इसके आगे मैंने यहाँ पर इनको एक एड्रेस भी भेजा है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने BEP20 का ये एड्रेस उन्हें सेंड किया है और जैसे ही यहाँ पर मैंने सेंड किया, विद इन 5 मिनट के अंदर इन्होंने मुझे यहाँ पर जो मेरा फंसा हुआ था 15700 क्वाइन और प्लस 6000 और थे क्वाइन, वो मेरे वॉलेट में ट्रांसफर हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये मैंने एड्रेस दिया है, यह एड्रेस मैंने दिया था ट्रस्ट वॉलेट का। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पर मेरा जो टीसी क्वाइन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टीसी क्वाइन सबसे ऊपर है और यहाँ पर 22,940 टीसी क्वाइन ये आ चुके हैं। यहाँ पर 2 बार में आया है, मैं डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ जो ट्रांसफर है। दोस्तों, मैंने जो मेल किया था वो भी 4 फरवरी का था और यहाँ पर जो डेट है 4 फरवरी का ही है, यानी कि जब मैंने यहाँ पर उन्हें मेल किया हुआ था तो विद इन 5 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जो टीसी क्वाइन मेरे फंसे थे वो मेरे वॉलेट में आ गए, ठीक है। दोस्तों, तो ट्रस्ट वॉलेट में किस प्रकार से मंगवाना है इस पर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर ये रहा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। तो दोस्तों, अगर आपका यहां पर जैसे कि यहां पर जो क्वाइन अगर फेल हो जाते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपना मेल आईडी ओपन करना है, ठीक है।
मेल आईडी आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर एक आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वेबसाइट के साथ साथ में एक यहां पर इनका मेल आईडी भी मिल जाएगा जिसे सपोर्ट टीम है इनका, ये जो है कि davut@ttcoin.info, ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हैं ये मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर बस सिंपली आपको मेल क्या करना है, मेल में भी आपको मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डियर सर प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, इतना आपको कर देना है। आप ये भी लिख दोगे कि सर आई लॉस्ट माई, जितना आपने क्वाइन ट्रांसफर किए थे अगर फेल्ड हो चुका है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देना, उसके बाद ये एज सून एज पॉसिबल वाला ये मैसेज कर देना। वैसे ही आपका टीम यहाँ पर कॉन्टेक्ट करेगी, उसके बाद यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर जैसे कि आप बताओ ये मैसेज करेंगे कि आपको आगे करना क्या है, तो आगे करने के लिए हो सकता है कि आपको भी ऐसे ही मैसेज वो दें कि टीटी क्वाइन कैन नॉट बी कैंसिल और रिफंडेड इफ यू गिव द BEP20 एड्रेस, ठीक है। तो अगर आपका कैंसिल हो गया है तो BEP20 वाला एड्रेस आप कहां से लेंगे, तो अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में मंगवाना चाहते हैं तो मैं ट्रस्ट वॉलेट में आपको बता देता हूं कि ट्रस्ट वॉलेट में आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं ट्रस्ट वॉलेट में फिर से आ गया हूं और यहां पर जो मेरा यहां पर टीसी क्वाइन शो कर रहे हैं यहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि ये जो टीटी क्वाइन है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रिसीव का ऑप्शन आ जाता है, रिसीव पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसीव करने के बाद ऑप्शन देखेगा यहाँ पर कॉपी का, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो टीटी क्वाइन का यहाँ पर जो एड्रेस है ये BEP20 के कॉन्सेप्ट पे है, ये चीज़ आप ध्यान देना, ये एक नेटवर्क होता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क होते हैं, TRC20 का भी होता है, BEP20 भी होता है और भी वहाँ पर नेटवर्क के नाम दिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क आपको चूज करना होता है BEP20 का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये वाला आपका एड्रेस है ये आपको कॉपी करने के बाद मेल आईडी पे पेस्ट कर देनी है, विद इन 5 मिनट के अंदर आपका भी प्रॉब्लम जैसे मेरा सॉल्व हुआ था वैसे आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों का फेल्ड हो चुका है टीसी क्वाइन जब उन्होंने ट्रांसफर किया था तो वो एक प्रकार से यहाँ पर रिकवर अपना इजिली पूर्वक कर पाएंगे। और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर टेक्निकल पंकज जोन, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले हमारा यहाँ पर चैनल आ जाएगा और यहाँ पर अभी क्या कि 815 सब्सक्राइबर हैं, इसे आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लेना है क्योंकि यहाँ पर जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में नए नए लॉन्च होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दिया जाता है, जो न्यू माइनिंग एप्लीकेशन हैं उसके बारे में भी अपडेट दिया जाता है, जो अपडेट जिस पर वीडियो क्रिएट करना थोड़ा जरूरी नहीं हम समझते हैं, लगता है कि उसे बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है लेकिन बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। और यहां पर विड्रॉवल कैसे लेना है, बैंक अकाउंट में टीटी क्वाइन का ट्रांसफर कैसे लेना है, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो ये सभी चीजें आपको यहां पर अपडेट देखने को मिल जाता है। इसलिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये तो रहा दोस्तों टीसी नेटवर्क में विड्रॉवल जो जिनका फंस गया था टीसी क्वाइन उसके बारे में था। और जैसा कि आप जानते हैं गाइज कि यहाँ पर करीब करीब 29,91,026 यूजर्स यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, जो टोटल यूजर्स हैं करीब करीब 3 मिलियन यहाँ पर यूजर्स इससे इंगेज्ड हैं। और जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा दोस्तों कि टीसी नेटवर्क जो यह क्वाइन है अभी भले ही इसकी कीमत बहुत कम है और जैसा कि आप जानते हैं कि यह आपका क्वाइन बाजार एक्सचेंज पर लिस्टेड है, अभी प्राइस इसका बहुत ही कम है, लेकिन आने वाले समय में यह क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा खासा कमाल कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपना खुद का जो है कि अपना बेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर जो अगर इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो डिटेल में जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, अनाउंसमेंट में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि टीटी क्वाइन विल कंप्लीट इट्स ऑन ब्लॉकचेन, यानी कि ये खुद के ब्लॉकचेन पे है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब अपने खुद के ब्लॉकचेन पे होता है तो उसकी पोटेंशियल या संभावनाएं ज्यादा होती है कि वो फ्यूचर में अच्छा खासा जो है कि वैल्यू हमें दे सकता है, ठीक है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा और साथ में इसका जो सप्लाई है, अगर सप्लाई मान लीजिए किसी प्रकार से बर्न होता है यानी कि कुछ कम कर दिए जाएंगे तो इसका प्राइस जो है कि आने वाले समय में ऊपर जा सकता है। इसलिए जो क्वाइन आपने यहां पर माइन किए हुए हैं उसे आप ट्रस्ट वॉलेट में सेव करके रख लीजिए 4 महीने 6 महीने 1 साल तक, उसके बाद आप चाहो तो उसे सेल कर पाओगे अच्छे कीमत में। आगे यहाँ ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि द टीसी वॉलेट सिस्टम विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द टीएससी नेटवर्क, यानी कि जो इनका नेटवर्क है टीएससी नेटवर्क में क्या इंटीग्रेट हो रहा है यानी कि कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि इट विल आल्सो बी पॉसिबल टू कनेक्ट टू द टीएससी नेटवर्क इजली विद द मेटामास्क वॉलेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेटवर्क का नाम लिया है, तो जैसे कि मैंने मेल पे आपको बताया था कि BEP20 आपको
चूज करना है नेटवर्क। ऐसे ही यहाँ पर इनका जो ये नेटवर्क अपना लेके आ रहे हैं, इसका जिसका नाम होगा TSC नेटवर्क, ठीक है। तो ये अभी अपडेट हो रहे हैं, आने वाले समय में हमारे सामने देखने को मिलेगा। इसके साथ में और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो खास तौर से आज का वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था दोस्तों कि जो क्वाइन आपने माइन किए हुए हैं वो अगर आपका किसी तरीके से फंस गया है या फेल्ड हो चुका है तो उसे आप किस प्रकार से सक्सेसफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर अपना जो जितने भी क्वाइंस अभी तक मैंने यहाँ पर जो माइन किए हुए हैं वो टोटल जो क्वाइन अभी तक जो मैंने माइन किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 15,710 को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया जो सक्सेस दिखा रहा है। 7,230 TC क्वाइन है ये भी सक्सेसफुल है और 25,700 क्वाइन है ये भी सक्सेसफुल है। तो 25,700 क्वाइन दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वाइन बाजार एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया था। यहाँ पर आप प्रूफ भी देख सकते हैं 15,700 क्वाइन यहाँ पर शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर TC क्वाइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो विड्रॉवल भी ले सकता हूँ। विड्रॉवल करने का प्रोसेस मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा करके वॉच जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखिए ताकि आने वाले समय में TC क्वाइन की जब वैल्यू बहुत ही ऊपर रहेगा तो आपको यहां से अमाउंट को निकालने में आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए जानकारी इंपॉर्टेंट है और कहते हैं ना कि लर्निंग है तो अर्निंग है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।